सब्सक्राइब कीजिए एडुनोट्स चैनल को और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम DRDO के सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो 13 सितंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। शुरू करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन से। नेम ऑफ द पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। 494 वैकेंसीज हैं और इसकी सैलरी लेवल 6 की है, 9300 से 34800 तक, और ग्रेड पे है 4200। एंड इफ वी टॉक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो इस पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए साइंस में या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कोई भी एलाइड सब्जेक्ट्स इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि BSc डिग्री होल्डर्स जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने वो सब्जेक्ट कम से कम 2 साल अपने BSc प्रोग्राम में पढ़ा हो, ये ज़रूरी है। और जिन कैंडिडेट्स के पास हायर क्वालिफिकेशंस हैं लाइक MSc और BTech और BE और PhD डिग्री ऑन द क्रूशियल डेट जो कि 29 अगस्त 2018 है, वो लोग इस पोस्ट के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आइए बात करते हैं सैलरी और पर्क्स के विषय में। इस पोस्ट के लिए ग्रॉस सैलरी होगी अराउंड 54,000 और इनकम टैक्स वगैरह सारी कटौतियाँ करके जो इनहैंड सैलरी आएगी वो अराउंड 45,000 to 47,000 आएंगी। और पर्क्स भी अच्छे खासे हैं इस जॉब में। जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं उनमें से कैंटीन कार्ड, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस और मेडिकल कवरेज एक्सेट्रा बहुत ही लुक्रेटिव है। साथ ही साथ DRDO के लिए कैंपस भी बहुत साफ सुथरे और सुंदर होते हैं। सितंबर 2009 का एग्जाम पैटर्न 2 टीयर होगा। टीयर 1 सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होगा और सारे लोगों के लिए कॉमन होगा। इस लेवल पर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जनरल साइंस के क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे और ड्यूरेशन होगा एग्जाम का 2 आवर्स। टीयर 2 जिसके बेसिस पे मेरिट बनेगी उसका सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम 100 मार्क्स के और 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। टीयर 1 जैसा कि मैंने कहा सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज होगा। इसमें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे और 35 फॉर SC ST। 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे और जो लास्ट कैंडिडेट होंगे जिनका कि टाई होगा, मार्क्स इक्वल होंगे, वो सारे कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। और जो दूसरा टीयर 2 होगा उसमें भी सेम है, 40% फॉर URO BC और 35% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे SC ST के लिए। टीयर 2 के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। DRDO में पोस्टिंग जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होती है, तो इसलिए आपको ट्रेनिंग में कितने मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग भी होगी। और DRDO में प्रमोशंस के रूल्स भी अभी बहुत ही अच्छे हैं। 5 साल की रेगुलर सर्विस पूरी करने के बाद आप एक असेसमेंट से, प्रमोशन इंटरव्यू से गुजरते हैं और अगर आप असेसमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप हायर ग्रेड पे प्रमोट हो जाते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो अगले साल फिर आपको उस असेसमेंट से गुजरना पड़ता है, जैसे कि STA B से TO A तक, फिर TO A से TO B तक, TO B से TO C तक, फाइनली TO D तक के प्रमोशंस होते हैं हर 5 साल पे। DRDO न सिर्फ आपको वर्टिकल प्रमोशंस का बल्कि लैटरल प्रमोशंस का भी मौका देता है। इसमें आप कैडर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने BE या MSc की डिग्री हासिल कर ली और फिर LDCE के इंटरनल एग्जाम्स दे दिए तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर ड्यूटीज़ और वर्क कल्चर की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर की, किस लैब में और किस वर्क प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे लैब में हो गई जहाँ की लिमिटेड रिसर्च वर्क हो रहा है तो आपका ज़्यादातर काम सिर्फ बेंच वर्क रह जाएगा, जो एडमिन अकाउंट्स और स्टोर वगैरह का काम देखना, और वही 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब्स जो कि आप जानते हैं, सुबह जाना और टाइम से फिर घर वापस आना। और अगर आप किसी ऐसे लैब में पोस्ट हो गए और ऐसी टीम मिल गई आपको जो कि किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो आपका फिर कोई निश्चित समय नहीं रहेगा काम करने का, आपका निश्चित दिन नहीं रहेगा काम करने का, आप टाइम टू टाइम नहीं काम करेंगे बल्कि टारगेट टू टारगेट काम करेंगे। अगर साधारण शब्दों में कहें तो DRDO में करना वैसा ही है कि किसी स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जहाँ की सीनियरिटी पे एम्फेसिस दिया जाता है, सेम जैसा कि बाकी सारे गवर्नमेंट स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर में होता है। लेकिन अगर आपकी टीम किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो हो सकता है आप हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएं।
सब्सक्राइब करने के लिए EduNotes का बटन दबाएं, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। कंप्यूटर से तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स ऊपर दिख रहे नॉइज़ फ्रॉम मापी चैनल पर भी जा सकते हैं। लेफ्ट में दिख रहे वीडियोस को क्लिक कीजिए और अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए। धन्यवाद।